भिवानी में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। सोमवार सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आया। विजिबिलिटी महज 20 मीटर रहने से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं ठंड के साथ आबोहवा भी खराब हो गई। सुबह 7 बजे AQI 426 दर्ज किया गया, जो हानिकारक है। लोगों का कहना है कि ठंड और स्मॉग का असर बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर ने सुबह के समय बच्चों व बुजुर्गों से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। मदन वर्मा एडवोकेट है जी, और इस मौसम की पहली सर्दी का आगाज हो चुका है और भिवानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जो वर्ल्ड लेवल पर 6th पोजिशन है भिवानी की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पोल्यूशन को जितना भी कम किया जाए, जो इंडस्ट्री एरिया है, जो व्हीकल हैं, जिन कम यूज किया जाए, और जिस मैक्सिमम से मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाए जाएं। हमने प्रदूषण को रोकथाम के लिए जितनी कोशिश की जाए उतनी कम करनी चाहिए। इस मौसम से क्या है कि हर आदमी के फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, अस्थमा रोग हो रहा है, काफ़ी बीमारियां हो रही है कि आदमी अपना आपका स्वास्थ्य महसूस नहीं कर पा रहे, डॉक्टरों के जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। तो उस बात को देखते हुए हमने और सभी एक सबकी ड्यूटी बनती है और प्रशासन ने भी अपना कदम उठाना चाहिए ताकि शहर को प्रदूषण से रहित किया जाए। बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है इस शहर के अंदर और इसके लिए प्रशासन ने इसको ऊपर गौर करनी चाहिए। और आज से पूरा शहर कोहरे की चादर में ढका हुआ है और प्रदूषण में ढका हुआ है कि विजिबिलिटी बिल्कुल 50-60 मीटर की है, बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए उसमें एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की भी आशंका रहती है। रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं। जब भी धुंध होती है, कोहरा होता है, तो उसके अंदर आदमी अपनी ड्राइविंग अच्छी तरह से नहीं कर सकता। इसलिए आदमी के जान माल का खतरा है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कदम उठाने चाहिए। यहाँ प्रधान बार एसोसिएशन भिवानी, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, इस मौसम की पहली सर्दी आज आई है और प्रदूषण लेवल पूरे वर्ल्ड के अंदर 6th नंबर पर भिवानी का है। तो मैं तो सरकार से भी और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस प्रदूषण के ऊपर जो इंडस्ट्री है उनको बंद किया जाए, या कोई और भी पुख्ता प्रबंध जो कर सके सरकार, उसने उचित कदम उठाने चाहिए। सांस लेने लायक हवा नहीं बची है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके हाथ भी हमारे साथ छीना जा रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ प्रशासन ने और सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना। देखिए, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ा। बूढ़े हैं, वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं। आंखों में आप भी देख रहे हैं जलन हो रही है, आंस पानी टपक रहा है। तो ये पूरी तरह से इतना प्रदूषण इस लेवल के ऊपर है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इस चीज से डरे हुए हैं। पार्कों के अंदर सन्नाटा एक तरह का छा गया है, क्योंकि घूमने के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, घरों में कैद हो गए हैं लोग। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रशासन ने उचित कदम उठाने चाहिए। देखिए, आप चाहे हाईवे की बात हो, 50 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी खत्म है, गाड़ी चलाने में परेशानियाँ हो रही हैं, हर तरीके की परेशानियाँ। कितनी परेशानी मैं आपको गिनाऊँ, हर तरीके में ये एक बाधा के रूप में ये प्रदूषण फैल रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ अब भाई, जो भी तरीका हो इसको ठीक ठाक किया जाए और लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें इस मौसम के।